ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दहेज उत्पीड़न के तहत मामला हुआ दर्ज। बिलासपुर के कल्लर पंचायत के पट्टा गांव में 25 वर्षीय विवाहिता द्वारा आत्महत्या के मामले में पुलिस ने मृतका के पति, सास ससुर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर सत्र न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने इस आत्महत्या के मामले में धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर गहन छानबीन आरम्भ कर दी है। जिला बिलासपुर की कल्लर पंचायत के पट्टा गाँव में 25 वर्षीय विवाहिता द्वारा आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतक के पति, सास ससुर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर सत्र न्यायालय में पेश किया। आपको बता दें कि पुलिस को मृतका का शव बरामद हुआ था और सुसाइड नोट भी था। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में करने की अपेक्षा जिला मंडी के नेर चौक स्थित मेडिकल कॉलेज में करवाया है। सदर पुलिस बिलासपुर के प्रवक्ता DSP संजय कुमार ने बताया कि कल्लर पंचायत के पट्टा गांव में 25 वर्षीय विवाहिता द्वारा आत्महत्या के मामले में पुलिस ने मृतका के पति, सास ससुर सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आपको बता दें कि इस संगीन मामले में पुलिस को मृतका के शव से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिसमें मृतका ने अपनी आत्महत्या की जिम्मेदारी अपने पति, सास ससुर को ठहराया था। पुलिस ने इस आत्महत्या के मामले में धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर गहन छानबीन शुरू कर दी है, ताकि विवाहिता के द्वारा आत्महत्या से जुड़ी वास्तविकता सामने आए। DSP संजय कुमार ने यह भी बताया कि मृतका के शव का पोस्टमार्टम क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में करवाने की अपेक्षा जिला मंडी के नेरचौक स्थित मेडिकल कॉलेज में करवाया गया। इसका मुख्य कारण ये रहा क्योंकि क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट उपलब्ध नहीं है। थाना सदर बिलासपुर में एक अभियोग अंडर सेक्शन 498A 306 चौथी IPC के अंतर्गत जो है वो दर्ज हुआ है, जिसमें जो है एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी, जिसकी शादी जो है वो गांव पट्टा कल्लर में हुई थी, उसके साथ उसका पति और उसकी सास जो है वो दुर्व्यवहार करते थे और दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। तो इस विषय में ये अभियोग जो है दर्ज हुआ है और जो फांसी लगा के जो है वो इस महिला ने आत्महत्या की है, तो हमने डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए जो है बिलासपुर भेज दिया है, जहाँ से इसको आगे नेर चौक जो है वो रेफर किया गया है पोस्टमार्टम के लिए। बाकी इस मामले में जो दोनों अभियुक्त हैं, पति और जो सास हैं, उनको जो है वो अरेस्ट कर दिया गया है, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और पुलिस जो है वो सारी घटना की जो है वो गहराई से जो है वो छानबीन कर रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा।